नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 7 अप्रैल 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु मेष राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, केतु तुला राशि में, मंगल और शनि मकर राशि में, शुक्र और गुरु कुंभ राशि में, सूर्य और बुध मीन राशि में गोचर में चल रहे हैं। इस आधार पर राशिफल क्या बनेगा आइए देखते हैं। मेष राशि, किया गया कार्य या किया गया शुरुआत सफलता की तरफ ले जाएगी चीजें। कोई भी व्यावसायिक कार्य करेंगे उसमें निश्चित सफलता दिखाई पड़ रहा है। अपनों का साथ होगा, नव ऊर्जा का संचार होगा, स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, प्रेम और संतान में निरंतर दूरी बनी हुई है, व्यापारिक और बाकी स्थिति आपकी ठीक रहेगी, बस इमोशनल थोड़ी दूरी बनी रहेगी। सूर्य को जल देते रहे। वृषभ राशि, वृषभ राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम और संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक स्तर पे कुछ नई शुरुआत भी दिखाई पड़ रही है, बस अभी पूंजी का निवेश आपको नहीं करना चाहिए, जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। काली जी को प्रणाम करते रहे। मिथुन राशि, सितारों की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी, भरपूर ऊर्जा का संचार हो रहा, आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं, स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम और संतान का भरपूर सहयोग, व्यवसायिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर चल रही है। लाल वस्तु का दान। कर्क राशि, थोड़ी सी ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे, मन भी चिंतित रहेगा, हालांकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेम और संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा और व्यापारिक स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी, खर्च की अधिकता थोड़ा मन परेशान करेगा। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते रहे। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम है, प्रेम और संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। सूर्य को जल देते रहे। कन्या राशि, व्यवसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम और संतान का व्यापार का भरपूर सहयोग मिलेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, जोखिम से उबर चुके हैं, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, यात्रा में लाभ होगा, स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम की स्थिति अच्छी, व्यापारिक दृष्टिकोण से अब नए सुखद स्थिति पैदा होने लगे। हरे वस्तु पास रखें। वृश्चिक राशि, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल है, बच के पार करें, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम और संतान की अच्छी स्थिति है, व्यापार भी करीब करीब ठीक रहेगा। हरी वस्तु का दान करें। धनुराशि, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर है, प्रेम और संतान की बहुत अच्छी स्थिति, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात संभव है और व्यवसायिक सफलता का योग बन रहा है। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मकर राशि, विरोधी परास्त होंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम और संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय। हरी वस्तु पास रखें। कुंभ राशि, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिएगा, अदरवाइज नुकसान संभव है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम की स्थिति तूतुमय में हो सकती है, क्योंकि भावनाओं से ओतप्रोत रहेंगे, व्यापार आपका ठीक चलेगा। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मीन राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी संभव है, भौतिक सुख संपदा में वृद्धि, स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम और संतान का भरपूर सहयोग, लेकिन कलह से बचे, हरा चारा किसी मवेशी को खिलाना अच्छा रहेगा। नमस्कार।